भाई, बहन, बाप, चाचा, दादी, मामी, पति, पत्नी, बच्चे, पोते, दोस्त, बॉस, जोमेटो खाने वाला, वर्क कलीग्स, फेसबुक फ्रेंड्स, ओला कैब वाला, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स में और बहुत रिश्ते हमारी जिंदगी में, पर इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, और वो है माँ। माँ के बारे में बहुत कविताएं लिखी गई हैं और माँ की ममता पे बहुत मूवीज भी बनी हैं। पर बहुत कम लोगों ने ये पूछा कि हमें अपनी माँ से इतना लगाव क्यों है। क्या इसलिए क्योंकि वो हमें दूध और खाना देती है, या इसलिए क्योंकि वो हमें बेहद प्यार करती है? अगर हमें हमारी माँ खाना ना दे तो क्या हम अपनी माँ से तब भी उतना प्यार और लगाव रखेंगे? ऐसा ही कुछ प्रश्न साइकोलॉजिस्ट हैरी फ्रेडरिक हार्लो ने पूछा था, और उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना शुरू किया 1959 से। तो हार्लो ने कुछ बेबी मंकीज जो पैदा होते ही अपनी माँ से अलग रखे गए थे उन पर एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने इन बेबी मंकीज को टोटल आइसोलेशन में रखा, मतलब इनका किसी दूसरे मंकी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। इन बेबी मंकीज के सेल में सिर्फ दो वर्चुअल मदर्स थीं, एक कपड़े की बनी हुई और एक तारों की। दोनों वर्चुअल मदर्स के पास अलग अलग क्षमताएं थीं। वायर मदर पूरी वायर से बनी हुई थी और उसके पास एक दूध की बॉटल थी जिसे मंकी टाइम टाइम पे फीड कर सकता था, और दूसरी क्लॉथ मदर जिसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ था, उसके पास कोई भी फीडिंग मैकेनिज्म नहीं था, पर बेबी मंकी को उससे एक जीव का स्पर्श यानी कॉन्टैक्ट कम्फर्ट मिलता था। तो वैज्ञानिकों को ये देखना था कि ये बेबी मंकी किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, किससे उन्हें लगाव हो जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बेबी मंकीज दिन में कुछ 17-18 घंटे क्लॉथ मदर के साथ बिता रहे थे और 1 घंटे से भी कम वायर मदर के साथ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे को कपड़े से सुकून मिलना लाजमी है, वायर से नहीं। तो क्या हम क्लॉथ मदर के साथ बिताए गए समय को प्यार या लगाव कह सकते हैं? इसी सवाल के जवाब में हार्लो ने अपने दूसरा एक्सपेरिमेंट फियर टेस्ट की चर्चा की। उनका कहना था कि अगर एक बच्चे को डराया जाए तो वो किस वर्चुअल मदर की तरफ जाएगा, किसकी उपस्थिति में बेबी मंकी का बिहेवियर ज्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वही मंकी को एक मैकेनिकल रोबोट दिखाया जो डरावना था, और उसे देखते ही बेबी मंकी अपनी क्लॉथ मदर के पास जा भागा, और थोड़े समय अपनी मदर के साथ रहने के बाद उसे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ और फिर वो रोबोट को धमकाने भी लग गया। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट में बेबी मंकी को एक नई जगह पे रखा गया। पहले वो डर के एक कोने में बैठा रहा, और जब वायर मदर वहाँ लाई गई तो बेबी मंकी पे ज्यादा असर नहीं हुआ, पर जैसे ही क्लॉथ मदर को लाया गया तो वो मंकी उसकी ओर भागा और थोड़ी देर बाद फिर नए कॉन्फिडेंस से रूम को एक्सप्लोर करने लग गया। इससे ये देखा गया कि क्लॉथ मदर की उपस्थिति में बेबी मंकी का बिहेवियर ज्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट होता है। एक और एक्सपेरिमेंट में दूसरे सेट ऑफ मंकीज जो अपनी जिंदगी के पहले 8 महीने एकांत में थे, जिनके साथ न कभी वर्चुअल मदर्स न दूसरे मंकी कभी थे, उन्हें 8 महीने की आयु में क्लॉथ और वायर मदर से मिलवाया गया। तो इन मंकीज के ऊपर न तो क्लॉथ मदर और न ही वायर मदर का कोई भी पॉजिटिव असर दिखा। वो मंकीज पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान बस एक कोने में नर्वसली बैठे रहे। हार्लो का ये कहना था कि मंकीज में अटैचमेंट डेवलप करने का एज 1 से 3 महीने का होता है, और क्योंकि ये आइसोलेटेड थे तो वो प्यार या सुरक्षा की भावना कभी अपने अंदर विकसित ही नहीं कर सके। यही चीज इंसानों के बच्चों में 3 से 9 महीने है। अगर उस समय उनको प्यार नहीं मिला तो शायद वो प्यार करने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। हार्लो के एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस को अब बहुत एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज अनएथिकल मानते हैं। बेबी मंकी को अपने मदर से अलग करने की वजह से फ्यूचर में उन मंकीज में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए, पर ऐसे क्रिटिसिज्म होने के बाद भी जो इस एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स थे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी यूजफुल हैं। तो माँ सिर्फ रोज का खाना और वीकेंड में डोसा के लिए नहीं है। हमारा पूरा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी और क्रिएटिविटी, सब वो हमारे बचपन के केयर और अफेक्शन से ही हम डेवलप करते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस संडे को फोन करके हैप्पी मदर्स डे बोल दो उन्हें, उसी में खुश हो जाएंगी वो।